हाँ दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो भाई दोस्तों, हाल चाल तो बढ़िया रहने चाहिए, जैसे ये आप सबकी हेमा शर्मा कहती है। तो भाई, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है हेमा की कहानी। तो भाई दोस्तों, मैं आ गई हूँ मुंबई। जी हाँ, फाइनली मैं वापस से मुंबई आ गई हूँ, और इस वक्त मैं बैठी हूँ मुंबई के एक रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है वाइट लामा विला। ओके, ये लोखंडवाला के बैक साइड है। तो मैं आज इस तरीके से अकेले चाय के लिए, अभी चाय आई नहीं है, मैंने ऑर्डर दिया, तो बहुत बहुत टाइम बाद मैं ऐसे बैठी हूँ। मैं जब मुंबई शहर में रहा करती थी 2021 से पहले। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोस्तों, मैंने जिस दिन आप लोगों को बताया था, जो वीडियो डाली थी मेरे बेटे के साथ, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं मुंबई जा रही हूँ, तो मैं उस दिन मुंबई नहीं आ सकी। जी हाँ दोस्तों, ये जानकर आप लोगों को भी बहुत दुख होगा कि उस दिन मेरी फ़्लाइट जो है मिस हो गई थी, और जो है मैं आधे घंटे लेट पहुंची थी। लेकिन मुझे पता नहीं वो कैसे आधा घंटा लेट हुआ था। मैं जहाँ से रास्ता आजकल लेती हूँ, वहाँ पे फाटक लगता है, तो अब फाटक को दोष देना या ड्राइवर ने गाड़ी लेट चलाई या मैं घर से लेट निकली, ये सब बातों को आप छोड़ दीजिए। मेन जो बात है कि मैं उससे लेट हो गई थी और मेरी फ़्लाइट छूट गई थी। हाँ, ये ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है कि जिसकी वजह से मैं लेट पहुँची हूँ। ये इनमें से कोई ना कोई रीज़न है, और सारे मिलके जो है बन गए एक बड़ा रीज़न, जिसकी वजह से मेरी फ़्लाइट छूट गई। तो मैं जब एयरपोर्ट पहुँची, तो दोस्तों मैं बहुत उदास हो गई थी, और जब मुझे बोला कि आपकी फ़्लाइट मिस हो गई है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ, और ऐसा कैसे हो सकता है। तो मुझे बात तो एक्सेप्ट करने में 2 से 3-4 घंटे लग गए। मैंने जो है वहीं पर ही तुरंत आधे घंटे बाद फ़्लाइट करने की कोशिश की, नहीं हो पाई। और वो फ़्लाइट भी बहुत एक्सपेंसिव थी, बिजनेस क्लास गौरव ने की थी, जिससे मैं और एकांश कंफर्टेबल हो गए, अच्छे से हम ट्रैवल कर सकें, बट शायद वो मेरे डेस्टिनी में नहीं था। तो दोस्तों, फिर मैंने अगले दिन की फ़्लाइट ली, मतलब कल मैंने फ़्लाइट ली, और तब जाके मैं कल आई हूँ। और कल सुबह जो है 11:30 बजे से निकल के रात को 8 बजे मैंने जो है मुंबई पकड़ा है, अकेले एकांश को मैनेज करते करते। तो दोस्तों, कहना बहुत अब कहना हो गया है कि 2 घंटे की फ़्लाइट होती है, लेकिन उसमें 4 से 5 घंटे लगे जाते हैं। तो भाई, मैंने पहना है आज ब्लैक कलर का सूट, और मैं बता देती हूँ ये ड्रेस भी जो है मेरा 2.5 साल पुराना है, ये 2.5 साल पहले मैंने ख़रीदा था, और ये आज भी मुझे मतलब और ज़्यादा लूज़ आ रहा है। पता नहीं किस चीज़ का मुझे गम है कि मैं डे बाई डे ऐसी होती जा रही हूँ। खैर, ये तो आप लोग बताइएगा। आज की वीडियो में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जैसे आप लोगों को सबको प्रॉब्लम होती है वीडियोस बनाने के लिए, स्पेशली फीमेल की मैं बात करूँ, तो उसी तरीके से आपकी हेमा शर्मा को भी होती है, आप उसको इतना प्यार करते हैं। जी हाँ, मुझे मेंटली फिजिकली एक बैग आज यहाँ पर है, एक बैग यहाँ पर है, तो जहाँ पर भी जाती हूँ वही 4 कपड़ों में अटक के रह जाती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी तो आप लोग देख ही रहे हैं हेमा की कहानी पे, और मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहती हूँ। ये जो मैंने प्लेस चुना है, ये मुझे वाइट जो है, आप लोगों को पता है कि मुझे खुद भी जो है वाइट बहुत बहुत पसंद है। यहाँ का इंटीरियर जो है ये बहुत ही अच्छा है। अब वो चाहते हैं कि मैं वीडियो ना बनाऊँ, तो बहुत अच्छा है, मतलब मेरा खुद का दिल है कि भाई अगर कभी घर जब होगा आपकी हेमा का, तो मैं सिर्फ वाइट कलर ही चूज़ करूँगी अपने घर के पेंट के लिए। एंड आई विल नॉट चूज़ दिस कलर, ब्लू कलर, बिकॉज ये रेस्टोरेंट के लिए अच्छा है। आई विल गो फॉर ग्रीन कलर, जो आजकल चल रहा है वो। तो बाहर बैठने के लिए भी जगह है, बट मैंने जो है अंदर स्पेस चूज़ किया है, क्योंकि यहाँ मैं वीडियो बना सकती हूँ, यहाँ पे किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बाहर जो है लोग बैठे हैं, तो उनको वो थोड़ा सा मुझे देखेंगे, मैं उनको देखूँगी, और न जाने फिर जो है वीडियो नहीं बन पाएगी। तो इसलिए आई चूज़ दैट इनसाइड जो है मुझे बैठना अच्छा लगा। और यहाँ पे देखिए बड़े अच्छे शूज़ रखे हुए हैं दोस्तों, जो मैंने अभी देखे हैं, जस्ट मैंने देखे हैं, नोटिस किए हैं। तो ये छोटे छोटे चीज़ों से जो है ना जो है डेकोरेट किया हुआ है। यू कैन सी फैन इज ऑल्सो हियर, लव बर्ड्स, और यू कैन से जो भी आपका दिल करे। ब्यूटीफुल ग्लास भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, जैसे आप लोगों की ज़िंदगी है वैसी मेरी है, और
दूर से सबकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत नज़र आती है, मेरी ज़िंदगी तो बस भागे जा रही है, समझ नहीं आ रहा दोस्तों करना क्या हो क्या रहा है। तो अब यहाँ मुंबई आई हूँ, यहाँ पे एक एक दिन मेरे लिए बहुत कीमती है। जैसे मैं पहले कहती हूँ एवरीडे मैं कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। मैं अभी टेलर के पास गई थी, वहाँ पे मैं अपनी साड़ी देकर आई हूँ बनने के लिए, क्योंकि जो मेरी फ़ैन है उन्होंने मुझे भेजी है। सुबह जो है मुझे यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, बहुत सुंदर मैंने बैंगल्स पहने हुए हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनकी मैं दी हुई चीज़ें जो है पहनती हूँ, बहुत ही कम ऐसे रेयर लोग होते हैं जिनकी मैं चीज़ बॉडी पे या यू नो कैरी करना पसंद है मुझे। तो ये है, और जो है बहुत सुंदर साड़ी मैं देकर आई हूँ, लखनवी साड़ी देकर आई हूँ, जिसमें से पिंक साड़ी आप सबको बहुत अच्छी लगी है, तो उसी की वाइट ग्रीन ये सब साड़ी जो है भेजी है मेरी फैन ने। तो दोस्तों आपकी हेमा भी जो है, हेमा जो है मुंबई में भी इसी तरीके से रहती है। मैं अगर अभी मुझे किसी डायरेक्टर के साथ मिलना हो तो मैं इसी तरीके से जाऊंगी, और इसी वजह से लोग मुझे पसंद करते हैं इसी। थैंक यू सो मच। तो मेरी चाय आ गई है, तो आप लोग भी पी लीजिए, मैं चाय की शौकीन हूँ। जब जब मुझे लगता है मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आजकल मुझे अकेले बैठना थोड़ा ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं डब्बा इस्तेमाल करना, उस वक्त मेरा डब्बा काम करता है कि किसको मिलना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए। अपनी पीआर खुद कर रही हूँ, अपने आप को प्रमोट खुद कर रही हूँ, और जो है जो लोग मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं उनको प्यार, और जो लोग नफरत करते हैं कि कोई किसी का मैसेज आ रहा है मुझे, YouTube फैमिली से आ रहा है कि हेमा दीदी आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। तो मेरा एक अभी हाल ही में इंटरव्यू हुआ था सोशल लाइट पे, उन पे उन्होंने मुझे वो रैपिड फायर करते हैं उसमें मुझे पूछा था कि वन वर्ड्स फॉर हेटर्स, तो मैंने उनको बोला था आई लव यू सो मच। तो वो हैरान थे कि यार हमने ये सवाल काफ़ी लोगों से पूछा लेकिन किसी ने भी इस तरीके का जवाब नहीं दिया कि आई लव यू सो मच फॉर हेटर्स। तो उन्होंने बोला कि हेमा जी यू आर समथिंग यूनिक, कि जो अपने हेटर्स को सामने से रिप्लाई करती है कि भाई मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े नफरत को यू नो प्यार में बदल सकती है। तो बस दोस्तों अपने बेटे को मिस कर रही हूँ, यश को मिस कर रही हूँ। आप ये ना सोचिएगा कि हेमा जी तो मुंबई शहर में जाके आराम से चाय पी रही हैं, कॉफ़ी पी रही हैं, अपने बेटे को छोड़ दिया। ये तो सिर्फ मेरा दिल ही जानता है ना, और बताऊँ क्या। और अपने बच्चे को मैं मिस कर रही हूँ, अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, इस बात में कोई कमाल की बात नहीं है, ये बहुत नेचुरल बात है। हर इंसान अपने बच्चे को प्यार करता ही, अपने भी बच्चों को प्यार करते हैं। कमाल की बात यह है कि जब आप का वो नहीं हो तब आप उसको प्यार करें, तब आप उसको मिस करें, तो उसका मतलब आप ग्रेट पर्सनैलिटी, अदरवाइज तो यू आर ऑल्सो लाइक अ नॉर्मल पर्सन। तो बस कुछ नहीं, आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं कुछ ज़िंदगी में कर सकूँ जो मेरे ऊपर वाला कर रहा है। मेरी माँ ने बोला कि हेमा तेरे साथ, जब मेरी फ़्लाइट मिस हो गई तो मेरी माँ ने मुझे बोला कि हेमा ऊपर वाला तेरे साथ फिर की ले रहा है, मज़े ले रहा है। तो मैं हंस पड़ी, और आजकल मैं अपनी लाइफ के ऊपर हंसती हूँ, क्योंकि हंसने से क्या होता है कि प्रॉब्लम जो है वो छोटी लगने लगती है। तो आप भी ये करके देखिए, अगर कभी कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि बार बार हो रही है, तो यू जस्ट लाफ, आप हंसी और उसके बाद जो है चीज़ें आसान होगी। तो मेरा सैंडविच भी यहाँ पर आ गया है, सो आप लोगों को भी जो है मैं इनवाइट कर रही हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ तो इसलिए मैंने वेज सैंडविच लिया है, और जो है आई लव यू सो मच, टेक केयर। यहाँ पे अब लोग आने लगे हैं धीरे धीरे, और वो लोग सोचने लगेंगे कि ये लड़की कर क्या रही है। सो एनी वेज टेक केयर, और मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए जैसे आप हमेशा करते हैं कि ज़िंदगी में मुझे भी सुकून मिले, जो चाहती हूँ वो मिले, आपका साथ हमेशा ऐसे बना रहे। थैंक यू।